वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेडी इजी सॉल्यूशन में। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज एक नया सब्जेक्ट है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह का आपका कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, और उनके जितने भी टाइप होते हैं आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके एडवांटेज और उनके डिसएडवांटेज क्या क्या, उनकी मेरिट्स है डीमेरिट्स है, हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किन किन कंपोनेंट से या किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है कि आपका, जहाँ से आपका इनपुट एक मैसेज सिग्नल है वो जनरेट हो, आपका जो मैसेज सिग्नल है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वॉइस हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या है, एक नया कंपोनेंट लगा हुआ है इनपुट ट्रांसड्यूसर। अगर हम ट्रांसड्यूसर की बात करें तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आपका एक वॉइस सिग्नल है या आपका कोई भी सिग्नल है, अगर ये आपका जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करेगा, उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको देगा, या आपकी जो ट्रांसमीटर की डिजायर रिक्वायरमेंट है उसमें आपको कन्वर्ट करके देगा। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। उसके बाद का जो हमारा कंपोनेंट है वो है चैनल। अब हम चैनल की बात करते हैं, चैनल क्या है, चैनल हमारा मीडियम होता है, मतलब जिसके थ्रू हम अपना जो सिग्नल है वो हम ट्रांसमिट करके और रिसीवर तक पहुंचाते हैं। वो आपका एयर भी हो सकता है, कोएक्सियल केबल, वायर केबल, आपका कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर थ्रू मीडियम, आपका स्पेस भी हो सकता है एयर, तो मतलब आपके नंबर ऑफ मीडियम्स होते हैं। तो होता है उसमें दो टर्म्स हमारे पास होती हैं, नॉइस एंड डिस्टॉर्शन। ये नॉइस एंड डिस्टॉर्शन क्या है, ये आपके इफेक्टिव फैक्टर है, ये क्या करते हैं, आपका जो सिग्नल होता है उसको इफेक्ट करते हैं। नॉइस का मतलब क्या होता है, आपका जो सिग्नल है उसके साथ कुछ अनवांटेड सिग्नल है वो ऐड हो जाते हैं। नॉइस क्या है, अनवांटेड सिग्नल। अब डिस्टॉर्शन क्या है कि जो आपका इनपुट सिग्नल था अगर उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाए, या उसके फेस में या उसके एम्पलीट्यूड में थोड़ा चेंज आए, उस चीज को हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। दूसरे टर्म में हम एक हमारे पास टर्म्स होती है अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है, अटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ गिवन सिग्नल। कोई भी आपका गिवन सिग्नल है अगर उसके एम्पलीट्यूड में थोड़ा रिडक्शन हो या चेंज हो तो उसको हम अटेन्यूएशन बोलते हैं, हम इसको डीबी में मेजर करते हैं। अब उसके बाद आपका क्या होता है, रिसीवर। रिसीवर क्या है, जहां पर आपको सिग्नल को रिसीव कराना है। अब ट्रांसमीटर में और रिसीवर में एक प्रोसेस होता है आपके पास, जब आप कोई भी सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करते हो, मान लो कि एक मैसेज सिग्नल है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना बहुत ही कम होती है, क्योंकि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसको ट्रांसमिट नहीं करा सकते। तो हम एक मैसेज सिग्नल के साथ एक जो दूसरा सिग्नल है जिसकी स्ट्रेंथ भी हाई होगी, ज़्यादा होगी, उसकी पावर भी, मतलब हम बोल सकते हैं जिसकी कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगी, तो वो उसके साथ हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैसेज के साथ आपका एक एक्स्ट्रा सिग्नल ऐड हो जाता है जिसको आप कैरी सिग्नल बोलते हैं। तो सिग्नल को मिक्स करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो ट्रांसमीटर होता है तो उसमें आपका एक प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन, मतलब कि मैसेज सिग्नल के साथ एक
अलग से दूसरे सिग्नल को कंबाइन करना उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अब ऐसे ही एक रिसीवर पे, रिसीवर पे इसका उल्टा होता है। अब आपको तो रिसीवर एंड पे मैसेज सिग्नल चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस कैरियर सिग्नल को यहां से हटा दोगे और या एलिमिनेट करा दोगे। उसके लिए आपके फर्दर सर्किटरी होती है, उसके बारे में हम डिटेल से जो हमारी आगे की वीडियो है उनमें डिटेल से पढ़ेंगे भी, कैसे आपका मॉड्यूलेशन होता है, कैसे आपका डिमॉड्यूलेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, डिमॉड्यूलेटर का यहाँ पे यूज करते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका मैसेज सिग्नल है वो आपको मिल जाएगा। अब आपका मैसेज सिग्नल मिल गया, अब आपका क्या है, डेस्टिनेशन या आउटपुट ट्रांसड्यूसर। अब वही है कि आपका जो सिग्नल है, अब डेस्टिनेशन पे आपको जिस फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए भी आपको मान लो कि आपको एक साउंड की फॉर्म में चाहिए आपको आपका सिग्नल। तो अब ये आपका सिग्नल था, ये तो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, तो आप क्या करोगे, एक ट्रांसड्यूसर का यूज करोगे जो आउटपुट पे आपको एक डिजायर, जिस फॉर्म में आपको आउटपुट की रिक्वायरमेंट है उसमें आपको कन्वर्ट करके देगा। जैसे आपको इलेक्ट्रिकल से अगर साउंड में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे माइक, ये सॉरी लाउड स्पीकर यूज करोगे। लाउड स्पीकर क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करके देगा। तो इस तरह का जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सभी इन कंपोनेंट से मिलकर हमारा बना होता है। तो इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और उनके फर्दर टाइप्स हैं, उसके बारे में हम एक एक करके एक एक वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।